हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर जॉब अपडेट सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए देखते हैं आज का अपडेट क्या है। आज देख सकते हैं आरआरबी की तरफ से अलग अलग वैकेंसी आई हुई है अलग अलग जोन में, जो कि बेसिकली जो है वो अप्रेंटिसशिप का है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा डिटेल्स में क्या है। इससे पहले कि नॉर्दर्न रेलवे में देखिए, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में आपका वैकेंसी आया हुआ था अप्रेंटिसशिप का, जिसका कि डेट था 2/8/2021 से लेकर 1 सितंबर 2021 तक, जो कि डेट पार हो चुका है। अगर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आपको एक मौका और मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है ये ईस्टर्न रेलवे का है। यहाँ पे अभी इसका टाइम बाकी है। ईस्टर्न रेलवे बेसिकली ये कोलकाता वाला रीजन हो जाता है, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन कवर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/10, यानी कि 4/10 से शुरू हो चुका है, साथ ही साथ ये 3 नवंबर तक चलेगा। और इसका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा 18 नवंबर तक। तो इसमें बेसिकली आपको बस ITI वगैरह होना चाहिए NCVT से, और साथ ही साथ आपका 10th वगैरह भी। बात कर ले तो इसमें आपको बेसिकली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, और उसके बाद किसी एक यूनिट में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कैंसिलेशन दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे अलग अलग ईस्टर्न डिवीजन में वैकेंसीज देख सकते हैं। हावड़ा डिवीजन के जैसे देखें, यहाँ पे टोटल 659 पोस्ट की वैकेंसीज है। फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल देख सकते हैं, ये कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, आप जिस फील्ड में भी अप्लीकेबल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सियालदा डिवीजन में भी वैकेंसीज आए हुए है, इसमें देखिए ज़्यादा है, 1123 वैकेंसीज है सियालदा में। वही बात कर ले आसनसोल में, तो यहाँ पर भी 167 है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं मालदा डिवीजन में भी वैकेंसीज है, और यहाँ पे देखिए कांचापारा वर्कर्स वर्कशॉप में भी 190 वैकेंसीज है, लिलुआ में भी वर्कशॉप में भी आपको 85 वैकेंसीज है। तो जिस फील्ड में जैसे मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, अलग अलग जिस फील्ड में भी आपका ITI है उस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जमालपुर वर्कशॉप में देख सकते हैं मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, GND, ये सारे 678 पोस्ट है। यानी कि अलग अलग देख सकते हैं वर्कशॉप या डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट जारी कर दिया गया है। तो ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो आपको मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए, साथ साथ मैक्सिमम जो है 24 साल होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जैसे OBC नॉन क्रीमिलियर या फिर SC ST, तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास होना चाहिए या फिर 10+2 अगर किसी भी मांगा गया है तो 50%। साथ ही साथ ये देखिए ITI या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT ये इसमें कंपलसरी है, ये होना चाहिए। किस किस फील्ड में देख सकते हैं, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, ये सारा चीज है। तो इसमें आगे बात कर रहे थे कि फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब कि मेरिट बेसिस पे किया जाएगा, आपको बता चुके हैं कि कितने बच्चे को बुलाना है, वो एक मेरिट तैयार किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज बेसिस पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए साइट दिया हुआ है www.rrcer.com, इसमें आपको जाना है और अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ अपलोड होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। स्कैन फोटोग्राफ आपका अपलोड होगा, आपका लेफ्ट थंब जो है वो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका अपलोड किया जाएगा, ये दोनों JPG में अपलोड करना है आप लोगों को। बात करें यहाँ पे सर्टिफिकेट की, तो 10th किसी किसी में 10th या किसी किसी में 8th का भी मांगा गया है, तो ये PDF में रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, तो ये बेसिकली आपको 10th का सर्टिफिकेट ही देना है एज प्रूफ के लिए। ITI का सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT या SCVT, उसके बाद अगर आप SC ST भी OBC EWS में बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही साथ PWD में अगर बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट भी देना होगा। दो प्रिंटआउट निकाल के इसका रख लीजिएगा, बाद में काम देगा ये। मतलब कि देखिए यार, दिस नोटिफिकेशन प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको इसमें रेलवे में नौकरी लग जाएगी, लेकिन जरूरी ये है कि जब ये वैकेंसी मिलेगी तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करें यहाँ पे सिग्नेचर की, तो देखिए ब्लॉक लेटर में कभी मत कीजिएगा, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अगर कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बाकी आपका फोटोग्राफ वगैरह, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करना जरूरी है। अगर किसी कारण से मिस हो जाता है तो फॉर्म आपका इनवैलिड एप्लीकेशन में चला जाएगा और सीधे सीधे छाट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होने को है। उसी तरह बात किया जाए तो एक और जोन में निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे में। नॉर्दर्न रेलवे में भी सेम आपका एप्लीकेबल है, इसमें बस डेट जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे डेट देखिए 20 सितंबर 2021 से चालू हो चुका है और अभी भी डेट है, यानी कि 20
अक्टूबर 2021 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ इसमें देखिए मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो 9 नवंबर तक जारी किया जाएगा, तो इसमें भी अभी टाइम है, दोनों में भर दीजिए। इसमें आपका लोकेशन, आपके लोकेशन के हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल है, नॉर्दर्न रेलवे वाला देख सकते हैं या फिर आपका ये ईस्टर्न वाला। तो बात करें इसमें तो सब कुछ कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम है, बस इसमें आपको थोड़े सी ध्यान रखनी है कि इसमें कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज दी हुई है। तो चलिए उसको हम लोग सीधे देख लेते हैं वैकेंसीज वाले जोन में। देखिए यहाँ वैकेंसीज वाले जोन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्लस्टर लखनऊ, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल डीजल इलेक्ट्रीशियन फिटर कारपेंटर, ये सारे पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज दिए हुए है। वहीं पे देखिए ब्रिज वर्कशॉप के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वैकेंसीज पूरे क्लासीफाई कर दिए गए हैं कास्ट वाइज सभी के लिए, देख सकते हैं। लोकोमोटिव वर्कशॉप, CNW शॉप, साथ ही साथ लोकोमोटिव वर्कशॉप क्लस्टर, ये देखिए अम्बाला का आ गया, सभी रीजन का अलग अलग दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देखिए दिल्ली वाला रीजन का आ गया, आप जिस रीजन में आपके सही लगता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है आपको एक ही रीजन में दिया जाएगा। फिटर वेल्डर कारपेंटर ये सब देख सकते हैं, सारे के ITI होने चाहिए बेसिकली और 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये बेसिकली अप्रेंटिसशिप की है, इस अप्रेंटिसशिप को आप कीजिएगा तो आपको जब भी कभी भी जॉब निकलेगा, वैकेंसीज निकलेगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये काफ़ी सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो, किसी पर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करना ना भूले, कमेंट करें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का जॉब अपडेट या फिर किसी तरह का अपडेट जॉब से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा और आपको करियर में आगे बढ़ने में सहायता होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।